जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आज के समय में इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है। कई इस तरह के मामले भी सामने आ चुके हैं कि केमिस्ट ओवर रेट पर दवाओं की बिक्री करते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए अब दवा की कीमतों के लिए बने नियम एजेंसी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि NPPA ने 84 दवाओं की खुदरा कीमत तय कर दी है। इसके बाद कोई भी केमिस्ट ओवर रेट पर दवा नहीं बेच पाएगा। वहीं NPPA ने जिन जरूरी दवाओं के दाम बदले हैं उनमें डायबिटीज, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में काम आने वाली दवाएं शामिल हैं। इस बदलाव से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल घटाने में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम भी कम हो जाएंगे। NPPA के नोटिफिकेशन के अनुसार एक पैरासिटामोल कैफ्रीन टैबलेट 2.88 रुपए, वहीं रोसोवास्टिनिन एस्पिरिन एंड क्लोरो पिड्रोग्रेल कैप्सूल 13.91 रुपए और वोग्लिबोस एंड मेटफोर्निन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 10.47 रुपए की मिलेगी। वहीं अन्य दवाओं की बात करें तो सिप्ला एंड प्योर एंड केयर हेल्थ केयर द्वारा बेची जाने वाली एटोरोवास्टिनिन और फेनोफिब्रेट टैबलेट अब 13.87 रुपए में मिलेगी। इस दवा का उपयोग हृदय रोग और मधुमेह से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा बता दें कि बोग्लिबोस एंड मेटाफर्निन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत GST को छोड़कर 10.47 रुपए तय की गई है। वहीं राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि NPPA ने नोटिफिकेशन में कहा कि फार्मा कंपनियों को निश्चित कीमतों का सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें वसूली की गई अतिरिक्त कीमत का ब्याज सहित भुगतान करना होगा। दाम में बदलाव के बाद GST अलग रहेगा, लेकिन दवा उत्पाद इसकी वसूली तभी कर सकेंगे जब उन्होंने खुद भी सरकार को खुदरा कीमत पर GST का भुगतान किया होगा। यदि कोई विक्रेता इन दवाओं को ज़्यादा रेट पर बेचता पाया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं दवा आदेश 2013 के आधार पर NPPA ने दवाओं की खुदरा कीमत तय की है। गौरतलब है कि NPPA देश में दवाओं और फार्मूलेशन की कीमत तय करता है। इसके तहत अगर कोई दवा उत्पादक ज़्यादा कीमत लेती है तो फिर उससे वसूली का कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जो दवाएं कीमत नियंत्रण सूची में नहीं है एजेंसी द्वारा उन दवाओं की भी निगरानी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।